बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़र। नाज़रीन इकराम, लेटेस्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मसलमात सेहत बीपी डॉक्टर ऑफ लेट दौलत खान वर्सेस बहार खान सन ऑफ लेट दौलत खान सिविल अपील नंबर 26Q/2017 जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस बसरत हलाली, इन्होंने ये केस सुना। नाज़रीन इकराम, इसमें जो इशू हम डिस्कस कर रहे हैं इस जजमेंट में, वो ये बेसिकली इनहेरिटेंस का मामला है। भाई ने बहन को महरूम कर दिया, उसका नाम इंतकाल ज़मीन में करवाया ही नहीं, उसको अपनी बहन ही शो नहीं करवाया। तो इस वीडियो में जो हम इशू करेंगे डिस्कस, वो है वेदर एडवर्स इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन फ्राम विद होल्डिंग द बेस्ट एविडेंस बाई एनी पार्टी। क्या अगर कोई जो है वो बेस्ट एविडेंस है, कोई फरीक अगर नहीं देता अदालत में बयान करता, तो उससे उसको क्या नुकसान हो सकता है, उससे उसके केस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये बात यहाँ पर डिस्कस हुई है। तो जनाब, एडवर्स इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन फ्राम विद होल्डिंग द बेस्ट एविडेंस बाई एनी पार्टी। अगर कोई आप अहम शहादत पेश नहीं करते तो उसका नुकसान आपके केस को होगा। रिकॉर्ड शोज डैट भाई जो है उसने कोई गवाह पेश नहीं किया जो कि वो ज़बानी जो हिबे की बात कर रहा था, उसके हिबा में जो उसको हिबा किया गया था उसके अबाबत उसने कोई चीज़ पेश नहीं की। बस Hence, by withholding the best evidence, adverse inference can be drawn under Article 129G of Colonial Shahadat Order 1984. इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये झूठा है। तो नाज़रीन इकराम, ये सूरत हाल है कि अगर वो ओरल गिफ्ट जो दिया जिसकी बाबत वो बात कर रहे हैं उसके को गवाह पेश नहीं किए, उसे साबित नहीं किया जो स्टैंडर्ड है आर्टिकल 129G ऑफ कानून शहादत आर्डर 1984 का, तो ये उसके ख़िलाफ़ जाएगा, भाई के ख़िलाफ़ क्या ही केस है।